सीरियल जाना ना दिल से दूर में विविधा करती है नोटिस कि माधव के ऊपर हो रहा है ब्लैक मैजिक और ये जानकर वो हो जाती है शॉक्ड। सीरियल जाना ना दिल से दूर में विविधा की लाइफ में काफी ड्रामा चल रहा है। शो में आपने देखा कि माधव किडनैप होने के बाद दिल्ली चला गया था और उसने वापस आके विविधा को बताया कि उसने वहां सुमन को देखा था। विविधा को सुमन पर शक होता है और वो दिल्ली पहुंच जाती है उसकी सच्चाई का पता करने। वहां जाके उसे अथर्व दिखता है जो कि गुड्डी के साथ खुशी खुशी होली खेल रहा है और विविधा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि अथर्व अपनी लाइफ में कितना खुशी खुशी जी रहा है उसको धोखा देकर। विविधा को बहुत गुस्सा आता है अथर्व को देखकर और फिर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। वो वापस अपने परिवार के पास आ जाती है। सुमन बहुत खुश हो जाती है कि विविधा ने किसी को भी अथर्व के बारे में नहीं बताया है, यहाँ तक कि सुजाता को भी कुछ भी नहीं बताया है। सुमन अब चलती है अपनी गंदी चाल। सुमन चाहती है कि अथर्व और विविधा अमावस्या तक एक दूसरे से अलग रहें और एक दूसरे से मिल ना पाए। सुमन अपना ब्लैक मैजिक इस बार माधव पर चलाती है जिससे विविधा माधव के साथ ही बिजी रहती है। लेकिन विविधा को हिंट मिलता है कि जैसे माधव पर किसी ने काला जादू कर रखा है। अब देखते हैं कि विविधा इन सब बातों का पता कैसे लगाती है। वेले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। सीरियल जाना ना दिल से दूर में विविधा करती है नोटिस कि माधव के ऊपर हो रहा है ब्लैक मैजिक और ये जानकर वो हो जाती है शॉक्ड। सीरियल जाना ना दिल से दूर में विविधा की लाइफ में काफी ड्रामा चल रहा है। शो में आपने देखा कि माधव किडनैप होने के बाद दिल्ली चला गया था और उसने वापस आके विविधा को बताया कि उसने वहां सुमन को देखा था। विविधा को सुमन पर शक होता है और वो दिल्ली पहुंच जाती है उसकी सच्चाई का पता करने। वहां जाके उसे अथर्व दिखता है जो कि गुड्डी के साथ खुशी खुशी होली खेल रहा है और विविधा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि अथर्व अपनी लाइफ में कितना खुशी खुशी जी रहा है उसको धोखा देकर। विविधा को बहुत गुस्सा आता है अथर्व को देखकर और फिर वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। वो वापस अपने परिवार के पास आ जाती है। सुमन बहुत खुश हो जाती है कि विविधा ने किसी को भी अथर्व के बारे में नहीं बताया है, यहां तक कि सुजाता को भी कुछ भी नहीं बताया है। सुमन अब चलती है अपनी गंदी चाल। सुमन चाहती है कि अथर्व और विविधा अमावस्या तक एक दूसरे से अलग रहें और एक दूसरे से मिल ना पाए। सुमन अपना ब्लैक मैजिक इस बार माधव पर चलाती है जिससे विविधा माधव के साथ ही बिजी रहती है। लेकिन विविधा को हिंट मिलता है कि जैसे माधव पर किसी ने काला जादू कर रखा है। अब देखते हैं कि विविधा इन सब बातों का पता कैसे लगाती है। वेले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।